सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो आज का नए वीडियो आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि काइंड मास्टर से कैसे हम ग्रीन स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। सो गाइस, ग्रीन स्क्रीन का एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ जाता है अगर आप ग्रीन स्क्रीन को यूज करते हो अपने वीडियो में। सो गाइस, आपका वीडियो बहुत ही शानदार देखने को मिल जाता है आपको। सो आज के वीडियो में यही बताने वाला हूं कि कैसे आप ग्रीन स्क्रीन को यूज कर सकते हो अपने मोबाइल में काइंड मास्टर की मदद से। सो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर नया आना सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन बजा दो ताकि हमारे सारे ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। सो हम काइंड मास्टर खोल चुके हैं। सो अभी काइंड मास्टर में हम एक परफेक्ट साइज ले लेंगे अपने वीडियो के लिए। तो हम यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, इसलिए यूट्यूब का यूज करेंगे 16:9। तो गाइस, कुछ इंटरफेस ऐसा दिख जाता है। सो अभी हम एक वीडियो इंपोर्ट करेंगे जो कि हमारे काइंड मास्टर में हम दिखाएंगे ग्रीन स्क्रीन के साथ। सो ये तो हमें छोटा वीडियो चाहिए था। सो इसमें हमारे पास शॉर्ट वीडियो तो अभी फिलहाल है नहीं। सो हम इसको ट्रिम कर लेंगे। सो हम एक वीडियो ले लेते हैं, इसको भी हम एक परफेक्ट पोजिशन देख लेंगे और इसको ट्रिम कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ग्रीन स्क्रीन बहुत ही ईजी और बहुत ही आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपने वीडियो को एकदम शानदार लुक दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स भी है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो से जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। सो हमें प्रॉपर स्टेशन मिल चुका है। सो हम इसको कट कर देंगे, ट्रिम कर लेंगे वीडियो को। सो अभी हम यहाँ कहाँ इसको एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ हम अपना ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अभी हम इधर एक वीडियो इम्पोर्ट कर लेंगे ग्रीन स्क्रीन वाला जो हमें यूज़ करना है हमारे वीडियो में। तो सिंपली आप सब्सक्राइब बटन कोई भी ग्रीन स्क्रीन का यूज़ कर सकते हो। सो ये मैंने बना के रखा है, इसको कस्टमाइज़ करके रखा है। सो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ मेरे हिसाब से। अभी मैं क्रोमा की में जाऊँगा और इसको एनेबल कर लूँगा ताकि मेरा जो ग्रीन बैकग्राउंड है वो हट जाए पूरी तरीके से। तो गाइस, देख सकते हो आप इस हिसाब से क्रोमा की के मदद से आप यूज़ कर सकते हो ग्रीन स्क्रीन आराम से। सो गाइस, काइंड मास्टर इसलिए बहुत ही अच्छा खासा ऐप है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐप्स ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि दूसरे ऐप्स प्रोवाइड नहीं करते। सो फ्रेंड्स, उनमें से ही ग्रीन स्क्रीन का फीचर जो कि काइंड मास्टर ही प्रोवाइड करता है इस ऐप्स में, बाकी दूसरे ऐप्स आसानी से प्रोवाइड नहीं करते। तो इस काइंड मास्टर इसलिए बहुत का फेवरेट ऐप्स है जो कि एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं फ़ोन में। सो फ्रेंड्स, आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो काइंड मास्टर का आराम से। सो फ्रेंड्स, इसका एडजस्ट कर लूँगा। तो ये बहुत ही ईजी स्टेप्स है। तो मैं एक और वीडियो आपको इंपोर्ट करके दिखा दे दूँगा कि कैसे आप। सो इससे पहले मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बताना चाहूँगा जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हो अपने वीडियो में। बस अगर आपको वीडियो में आपका जो बैकग्राउंड है आपको कस्टमाइजेबल चाहिए तो आप ग्रीन स्क्रीन का आराम से यूज़ कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छा खासा फैक्ट यही है कि आपका जो ग्रीन स्क्रीन है आप कोई भी मटेरियल से बना सकते हो। बस इतना होना चाहिए, शर्त इतना है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो ये अच्छा खासा ग्रीन कलर का रहेगा और वो भी एकदम प्लेन ग्रीन स्क्रीन होना चाहिए। तो ये फैक्ट टू है जो कि आपका जो स्क्रीन होना चाहिए वो प्लेन होना चाहिए, तभी आपका वीडियो अच्छा आएगा। तो अभी एक वीडियो इंपोर्ट करके वापस दिखा देता हूँ। तो ये मेरा वीडियो 180 पिक्सल है। सो मैं इसको डिकोड करके 720 पिक्सल कर दूंगा ताकि मेरा जो वीडियो है वो सपोर्ट कर जाए मेरे मोबाइल को। सो अभी मैं इसको एनकोड कर लियो। सो ये मेरा वीडियो आ चुका है, इंपोर्ट हो चुका है प्रॉपरली। तो अभी मैं सिंपली क्रोमा की में जाऊंगा, क्रोमा की को एनेबल कर दूंगा और इसका ग्रीन बैकग्राउंड हटा लूंगा। तो अभी मैं थोड़ा ग्रीनिश बॉर्डर कम कर लूंगा इसका। तो आराम से आप एकदम 2 मिनट का खेल आराम से यूज़ कर सकते हो। बस आपको कुछ फैक्ट्स है वो आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले 2 फैक्ट्स में आपको बताया कि इंपॉर्टेंस। सो तीसरा फैक्ट है, अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो सो ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। तो जितना हो सके आप अपने जो वीडियो है ग्रीन स्क्रीन का वो नेचुरल लाइट से ना करिए। तो फ्रेंड्स, जो कि नेचुरल लाइट होता है जो आपका जो वीडियो रहता है उसमें कलर इम्पैक्ट करता है, आपका जो वीडियो का टेम्परेचर रहता है वो लो कर देता है, जिसकी वजह से आपको एडिटिंग में बहुत ही मुश्किल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए ग्रीन स्क्रीन आप जब भी रिकॉर्डिंग करते हो ग्रीन स्क्रीन में तो आपको नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करना चाहिए ताकि आपका जो वीडियो एडिटिंग है आपको आसानी हो जाए और आपका जो वीडियो कंटेंट हो आराम से एक अच्छा डायरेक्शन के साथ आपको अच्छा टेम्परेचर में आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे दे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे इंस्टा पेज और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। इस लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ @hindustanblogandreview ताकि आपको और भी अच्छा खासा सोशल ट्रिक्स और अपडेट्स मिलते रहे हमारे चैनल की तरफ से, हमारी पेज की तरफ से। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो भी अच्छे ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट एंजॉय कर सके। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आशा आपका दिन शुभ बीते।